फिर है क्या मैं तो गोपी भक्त पद कमल उदास उदास अनुदास, ये परिचय होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, और मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं सन्यासी भी नहीं हूं, ब्रह्मचारी भी नहीं, सब नहीं नहीं कर दिया सब। जो हमारा जो वर्णाश्रम है, चार वर्ण आश्रम, ये चैतन्य महाप्रभु बता दिया, ये सब उपाधि है। हाँ, इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान, सब उपाधि धर्म छोड़ो। ये जो हम मैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का कुछ धर्म तो है, सत्य समो दमो तिथि खादि, क्षत्रिय का कुछ धर्म है, ईश्वर भाव च युद्धि च पलायनम, क्षत्रिय लड़ाई करके देश को रक्षा करेंगे, और इसी प्रकार वैश्य का धर्म है किसी गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, इसी प्रकार शूद्र का भी है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सभी का साथ में सब बताएं अलग अलग किस तरह से अपना अपना काम धर्म का जाजन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ होता है कि तू उपाधि शून्य हो जाओ, उसके नाम है मुक्ति। उपाधि शून्य, उपाधि शून्य होने की मैं निराकार हो जाता है नहीं, ये जो हम लोग समझते हैं मैं ये है ये है, इसको छोड़ दो। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ना हम विप्र नरपति न ज्योति बा, तो फिर आप क्या है ना, गोपी भक्त पद कमल दास दास अनुदा, वो जो गोपी लोग के भक्ता है कृष्ण, जो गोपी लोग को पालन करते हैं, गोपी जन बल्लभ, कृष्ण का काम है गोपी जन बल्लभ, गोपियों की सुविधा। जैसे गोपी लोग चाहते हैं किस तरह से भगवान की सुख हो, कृष्ण भी चाहते हैं किस तरह से गोपियों का सुख, इसलिए उसका नाम है गोपी जन बल्ल गिरिवरधारी। भगवान गिरिराज को धारण किया क्यों, गोपियों के सुविधा के लिए, कि गोपी लोग परेशान हो रही कि बहुत बादल है, बहुत वृष्टि हो रही है, ये लोग सब परेशान है, कुछ परा नहीं, हम तुमको रक्षा करें। तो जैसा भगवत भक्त चाहते हैं भगवान किस तरह से सुखी रहेंगे, इसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं भगवान का भक्त किस तरह से रहे सुखी। कौन ते आप्रति जानी ही नमे भक्त प्रणस्वती, भगवान सबके लिए समान है, भगवान कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, समोहं सर्वभूतेषु नमे देशस्ति न प्रिय, भगवान का कोई देश नहीं, भगवान है वो किससे देश करेंगे, किससे मित्रता करेंगे, सभी को पालन करना है, एको बहुनाम विदधाता, उसमें भी जो भगवत भजन करता है उनको ऊपर विशेष कृपा, उनको ऊपर विशेष कृपा, जेतु मांग भजंती प्रीत्या तेषु ते मई, उनसे भगवान से कुछ अलग संपर्क, इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है, इसमें भगवान का दोष नहीं, निरपेक्षता ही है, परंतु जो भगवान को ज्यादा चाहते हैं, भगवान अगर उसको ज्यादा चाहते हैं उसमें कोई दोष नहीं, ये स्वाभाविक है। जी जथामांग प्रबंधन रेता सफियो, जो भगवान से प्रेम करता है भगवान भी उनसे प्रेम करता है, तो ये उपाधि शून्य होना चाहिए। सेवावृत्ति हमारी तो है ही है, बाकी सेवा किस तरह से मैं करता हूं, ये हाथ पैर से करता हूं, इंद्रिय, ये इंद्रिय को शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषि के न ऋषि के साथ सेवनम भक्ति, ऋषि के न भगवान का नाम है ऋषिकेश, असल में भगवान ही इंद्रिय का मालिक है, हमारा जो हाथ पैर है ये थोड़ा ही हमारा है, ये तो भगवान का है, अर्थात
हाँ, जैसा नौकर चाकर रहता है, उसका हाथ पैर किसके लिए है? मालिक के लिए। इसी प्रकार हमारा जो हाथ पैर है ये तो भगवान के लिए है। हाँ, बाकी मैं लगाते हैं दूसरे काम में, मैं भगवान में नहीं लगाते हैं, और दूसरे काम में लगाते हैं, इसीलिए हमारा दुख है। हमारा कोई नौकर है हमसे पैसा ले और दूसरे का कोई नौकरी करे, उसके सुविधा के लिए चले जाए, तो वो नौकरी कितना दिन चले, कभी तक कहां तक वो सुखी जाए, यही हमारा विपद है। है तो जो कुछ हमारा शरीर में है सब भगवान की दिया हुआ है। और मैं लगाते हैं दूसरी सेवा में, भगवान की सेवा में, इसका नाम है बद्धावस्था, बद्ध जी वो माया से। क्योंकि सेवा हमको करनी पड़ेगा, ये तो भगवान की सेवा, नहीं तो माया की सेवा। अगर भगवान की सेवा छोड़ देता हूं तो माया की सेवा, और माया की सेवा नहीं करता हूं तो भगवान की सेवा। सेवा हमको करनी पड़ेगा। जैसा कल हम लोग जेल में गया था, वो जेल में कौन गया है? जो राजा गवर्नमेंट का कानून नहीं मानता है वो उसको जेल में भर्ती किया गया। तो उधर भी जेल का कानून गवर्नमेंट का कानून है, और जेल का बाहर में भी गवर्नमेंट का कानून है। तो जो कहता हूं गवर्नमेंट का कानून नहीं मानता हूं, तो उसको बोलता था इधर आओ, जबरदस्ती तुमको मनाया जाएगा। इसी प्रकार जीव जो है वो तो भगवान का अधीन वस्तु है, वो अगर भगवान की सेवा नहीं करते तो माया का सेवा करो, और यदि माया का सेवा में तुम्हारा सुख नहीं मिलता तो भगवान की सेवा करो। सरल बात है, सरल बात है, इसमें कोई दैवी जैसा अग्नमयी ममो माया दुरुत्तया। जब तक आप भगवान की सेवा में नियुक्त तो नहीं होंगे, माया आपको तकलीफ देगा, खूब अच्छी तरह से सेवा करा लीजिए, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार शरीर आपको देंगे, अनेक प्रकार जगह में ब्राह्मण जंतरा रूढ़ानी माया है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानी जंत्रा रूढ़ानी माया। ये जो एक जंत्र है गाड़ी, जैसा आप लोग मोटर गाड़ी चढ़ के इधर उधर घूमते हैं, ये भी एक मोटर गाड़ी है शरीर। अनेक प्रकार किसी का फोर्ड गाड़ी मिला है, किसी का और कुछ मिला है, कुछ मिला है, अनेक प्रकार गाड़ी है, इसी प्रकार अनेक प्रकार शरीर है। तो हम लोग जैसे जैसे भोग करने को चाहते हैं अपना कर्म से, भगवान मौका देता है, अच्छा चलो ये गाड़ी में चढ़ो, ये सुअर का गाड़ी में चढ़ो, खूब गुब खाओ, ये भगवान की इच्छा से होती है। हरे कृष्णा आंदोलन, भगवान श्री कृष्णा 5000 वर्ष पहले शुरू किया था, उसके पहले भी भगवान कृष्ण शुरू किया था, कोई 40 करोड़ वर्ष पहले। इमं विवश्यति योगं प्रक्तवान अहम अव्ययम् विवश्यान् मन विप्राहो मनु विख्यात अविब्रवीत। कोई हिसाब किताब करने से मनु का जो आयु है उसको हिसाब करने से कोई 40 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ये जो कृष्ण भक्ति सूर्य भगवान को कहा था, विवश्या सूर्य, आप लोग सब देखते हैं इधर भी राजा है इधर भी प्रजा है, और राजा का नाम है विवश्या, नाम भी बतलाया गया है शास्त्र में। जितने ये सब गोलोक है, भूगोल है, नक्षत्र तारा इत्यादि सब जगह में ऐसी राजा भी है, प्रजा भी है, शहर भी है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। सूर्य लोक में भी
आजकल के जो वैज्ञानिक है वो तो सपनों में भी नहीं समझ सकता कि सूर्य में कोई जा सकता, अग्निमय है, परंतु है। उधर जो जीवात्मा है, जो रहने वाला है, वो लोग देवता विशेष है, उनका शरीर अग्निमय है, क्योंकि हमारा शरीर मट्टीमय है, ये हमारा शरीर ज्यादा मट्टी इसमें है। इसी प्रकार पांच भौतिक जो द्रव्य है, खिति मट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही शरीर जैसा आपको बनाया, हमारा बनाया है, इसी सभी का ये पांच चीज से बनाया हुआ है। किसी का शरीर में कोई चीज ज्यादा है, जैसा आयुर्वेदिक हिसाब से किसी का पित्ताधिक है, किसी का कफाधिक है, इसी प्रकार शरीर भी अलग अलग भूगोल में, अलग अलग लोक में अलग अलग शरीर है। तो सूर्य लोक में भी शरीर है, ये बात नहीं है जो वो खाली पड़ी है, नहीं, कोई जगह खाली नहीं, सब जगह। तो भगवान कृष्णचंद्र पहले सूर्य भगवान को ही भगवद गीता का विषय सुनाया था, और वो फिर नष्ट हो गया। उसको रखिए, बातचीत न की, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सुनिए। तो भगवान खुद कह रहे हैं जो इमं विवस्ति युगं प्रत्वान हम अव्ययम विवशान मनोमे प्राहु मनु इच्छा कवि ब्रवी। ये जो भगवद गीता, भगवत भक्ति, भगवत गीता माने भगवत भक्ति, भगवत गीता कोई पॉलिटिशियन का किताब नहीं है। भगवत गीता दिखा करके अपना कोई राजनैतिक मतलब है उसको हासिल कर लिया, नहीं, भगवत गीता है भक्त का लिए। कई प्रकार के आदमी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कर्मी होते हैं, योगी होते हैं, और भक्त भी होते हैं। ये जो भगवद गीता है, ये इसमें ज्ञान योग कर्म का बात सब बताया गया है, परंतु आखिरी में भगवद गीता का सिद्धांत है भगवद भक्ति। मनमना भव मद भक्त मज्जाजिमांग नमस्कुरु, ये भगवद गीता की सिद्धांत है। जो सब समय हमारा चिंतन करो, मनमना मद भक्त, हमारा भक्त बन जाओ, और मनमना भव मद भक्त मद जाजी, हमको पूजा करो, और मांग नमस्कार, हमको नमस्कार करो, चार चीज है। जैसे भगवान का मूर्ति इधर है, सब कोई अपना घर में भगवान का मूर्ति रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ये चार चीज साधन है। क्या चीज है? भगवान की मूर्ति को देख करके हृदय में एक छाप होता है, कहीं भी जाइए भगवान का मूर्ति दर्शन कीजिए, मनमना और मद भक्त। बिना भक्त हुए कौन भगवान को स्मरण करेगा, इसलिए भक्त होने पड़ेगा। भक्त का अर्थ होता है जो भगवान की सेवा में सब समय नियुक्त है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे बताया है, कृष्णेर संसार करो छारी अनाचा। संसार अपना बाल बच्चे लेकर के जीवन पालन करना है, करो, परंतु भगवान कृष्ण का केंद्र करके बीच में रखो भगवान कृष्ण। कृष्णेर संसार करो छारी अनाचा, और अनाचार जो है इसको परित्याग करो, क्योंकि शुद्ध होने पड़ेगा। भगवान परम पवित्र शुद्ध,
भगवान का पास पहुंचने के लिए जो भक्त है, जो भगवान का पास जाने को चाहते हैं, उनको भी शुद्ध होने पड़ेगा, अशुद्ध नहीं। भगवत गीता में बताया है कि जीसाम अंतगतं पापम, जिसको पाप बिल्कुल नष्ट हो गया, मतलब जो पापी नहीं है। जीसाम अंतगतं पापम जनानाम पुण्यकर्माणाम, वो पाप से निर्मुक्त कौन हो सकता है, जो केवल पुण्य कार्य करते हैं, पाप कार्य करते ही नहीं, वो पाप से मुक्त हो सकता है। एक दफे पाप कर लिया, थोड़ा पुण्य कर लिया तो ठीक ठाक हिसाब किताब ठीक हो गया। नहीं, केवल पुण्य कार्य कीजिए, पाप न कीजिए, इसका नाम है जनानाम पुण्यकर्माणाम। ते दंडमहो निर्मुक्त भजन्ति मां दिव्यव्रता, इस प्रकार जो व्यक्ति है केवल पुण्य कार्य ही करते हैं, पाप का कोई नाम ही नहीं है, इस प्रकार जो व्यक्ति है वो दंडमहो निर्मुक्त, जो भगवान और कौन है, भगवान का कैसे रूप है, भगवान निराकार है कि भगवान का रूप, ये सब दंडमह जो है वो मुक्त हो जाते, वो जानते हैं। ये जो द्विभुज मुरलीधर कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो समझ जाते। भगवान ऐसे बहुत से देवता को भी कभी कभी कहा जाता है, जैसे भगवान शिव की, शिव जी को भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, नारद को भी कभी कहा जाता है, परंतु भगवान जो मूल भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सब भगवान का लोकर चक्र है, और जो स्वयं भगवान है वो स्वयं कृष्ण, ये शास्त्र सिद्धांत। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि कृष्णेर संसार कर छारी होना चाह, हम लोग का ये संसार करने की प्रवृत्ति है, ये जो जो हम लोग भौतिक जगत में सब आए हैं कुछ भोग करने के लिए आते हैं। इसलिए पहले ब्रह्मा का ऐसे जन्म होता है, पहले तो ब्रह्मा ही का जन्म हुआ था, तो तू पहले तू जब दुनिया में आते हैं भौतिक जगत में, ब्रह्मा का ऐसे जन्म मिलता है, फिर अपना कर्म विपाक से ब्रह्मा से वो जो मैला का कीड़ा होता है वो भी जन्म लेने पर वो करते 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 इतना नीचे आ जाता। इसलिए चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं, कभी ब्रह्मा हो रहा है, कभी इंद्र हो रहा है, कभी चंद्र हो रहा है, कभी ये सब होते होते देवता होते होते फिर नीचे गिर जाते हैं, इधर भी आकर के कभी कोई बड़ा नाम ज्यादा व्यवसायी हो गया। बाकी कर्मों का विपाक ऐसा है जो थोड़ा ही असावधान होने से फिर उसको नीचे गिरने पड़ता है, 84 लाख जोनी है। जलयानम लखानी सावरा लखम स्थिति, तो फिर जाके जो गिर जाते हैं वो जन्म मृत्यु का चक्र में, कभी कीड़ा होता है, कभी ब्राह्मण होता है, कभी शुद्ध होता है, कभी जानवर होता है, कभी देवता होता है, इसी प्रकार घूमता फिरता रहता है ब्रह्मांडों में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, इस प्रकार भ्रमण करते 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 कोई भगवान अगर जीव हो तो उसको एक मौका मिल जाता है। क्या मौका मिल जाता है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, यदि भगवान हो तो उसको योग्य गुरु मिल जाता है, और कृष्ण की कृपा से जो वास्तविक यही संसार चक्र में भ्रमण करते 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 जो थक जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप हमको उद्धार कीजिए, उसके लिए भगवान योग्य गुरु भी दिखा दे। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण सबका हृदय में बैठे हुए हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन भगवान जो है सबका हृदय में बैठे हुए हैं, देखता है ये क्या कर रहा है। भगवान चाहते हैं ये मूर्ख जो है, ये संसार भोगने को आया है,
चलो इसको दो, जो चाहता है दो दो, जब थक जाएगा तब हमारे पास खाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं भगवद गीता, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्ध, अनेक जन्म ऐसा भ्रमण करते 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 जब वास्तविक ज्ञानवान होता है तब वासुदेव सर्वमीति स महात्मा सुदुर्लभ, वो भगवान का चरण में प्रपत्ति कर, जो अनेक जन्म का पश्चात भगवान का चरण में प्रपत्ति करनी है, यही असल सिद्धांत है। तो भगवान खुद बताते हैं जब भगवान इस लोक में प्रस्तुत है उस समय क्या बताए, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापी बमुक्षयिष्यामि। बस ये सब छोड़, यदि सुखी होने को चाहते हो तो ये सब भोग की वासना छोड़ करके हमारा चरण में प्रपत्ति करो और तुमको हम सब चीज देंगे, भोग का कुछ अभाव नहीं रहेगा। भगवान के भक्त जो होते हैं उसको कोई अभाव नहीं है। साधारण आप लोग सब कोई नौकर चाकर रखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि भाई हमारा पास ये काम कर रहे हैं, सब समय सेवा में नियुक्त है, इसको कोई असुविधा न है। इसी प्रकार यदि भौतिक जगत में इस प्रकार व्यवहार है, जो भगवान का सेवा में लगे हुए हैं उसको कोई अभाव हो सकता है? कभी नहीं। भगवान खुद कहते हैं कौन थे अप्रति जानी ही नमे भक्त प्रणस्ति, हमारा भक्त का कभी दुख नहीं होगा। इसलिए भक्तिवान ठाकुर कहना है जो ये जो हम लोग दुनिया का सब भोग का प्लान बनाया है करो, बाकी कृष्ण को केंद्र करके करो और अनाचार व्यभिचार को छोड़ो, फिर जीवन में सुखी हो जाओ, फिर कभी दुख नहीं होगा। कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, तो अनाचार शास्त्र में जो कहते हैं ये चार प्रकार का जो पाप है उसको छोड़ दीजिए। स्त्री सुना पान दूत जत्र पाप चतुर्विद, एक तो अवैध स्त्री संग करना, विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क रखना नहीं, ये शास्त्र का नियम। चाणक्य पंडित बताया है, जो पंडित कौन होता है तू तीन चीज बताया, मातृवत परदारेशु, जो दूसरे स्त्री को अपना मां के समान समझता है, यह हमारा वैदिक सिद्धांत है। इसलिए ब्रह्मचारी कोई भी हो है, और जो दूसरे आ रहा है तो उनसे मां बोल करके संपर्क करते माता जी, ये नियम है। ये महापाप है जो अपना धर्म पत्नी छोड़ करके और कोई स्त्री से संपर्क रखता है, महापाप है, इसको छोड़ना चाहिए। यदि आपको भगवान को चाहिए और यदि नरक में जाना चाहिए वो दूसरी बात, जाइए खुद जाइए, तो इसको छोड़नी चाहिए। और अवैध स्त्री संग और ये सुना अब बिथा पशु मांस को खाना, मनुष्य के लिए पशु मांस खाना नहीं है, मनुष्य के लिए भगवत प्रसाद खाना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जूमी भत्ता प्रगच्छति, इस प्रकार भगवान की प्रसाद खाना चाहिए और अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए और किसी प्रकार का नशा भाव माए चाय भी पीना छोड़ना चाहिए और कॉफी और सिगरेट बीड़ी ये भी सब छोड़ना चाहिए, शराब आदि तो छोड़ना ही चाहिए। सुना पान, पान माने पान भी खाना छोड़ना चाहिए, पान साथ में लिखा, इस प्रकार शुद्ध हो जाइए और भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। ये लड़की हंसती है क्यों, ठीक नहीं लड़की है? अच्छा ठीक है, पिताजी का ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यस। ये सब छोड़ दीजिए, इसे छोड़ देने से क्या आदमी मर जाता है? नहीं, ये सब असत संग से सीखते हैं और सत्संग कीजिए भूल जाए। देखिए ये सब यूरोपियन अमेरिकन लड़के लड़की हमारे साथ बहुत है, हजारों है, 10,000 सब छोड़ दिया। कभी आप लोग हमारा
यूरोप अमेरिका मंदिर में जाइएगा, देखिए 250 से कम नहीं, 200 300 400 तब है। सब छोड़ दिया, बिल्कुल शुद्ध हो गया, बिल्कुल। इसी प्रकार हम लोग यही प्रचार करते हैं, जो भगवान कृष्ण है और कृष्ण का संसार कीजिए, रोजगार खूब कीजिए, भगवान का खूब सेवा कीजिए, भगवान की मूर्ति को सजाइए, खूब भोग लगाइए। या भोग लगाने से भगवान तो भूखा नहीं है, सब खा जाएंगे, आप ही लोग खाएंगे प्रसाद। तो इस प्रकार संसार कीजिए और ये सब पाप छोड़ दीजिए तो सुखी हो जाए। ये हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस का ये प्रचार है, और कुछ नहीं है। ये सबके लिए है, ऐसी बात नहीं है ब्राह्मण के लिए है, कोई विद्वान के लिए है, कि हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, सबके लिए है। तो चार प्रकार का पाप छोड़ दो और भगवान की सेवा करो, सेवा माने सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान में भक्ति करो। पैसा है तो भगवान का खूब अच्छी तरह से मंदिर बनाओ, खूब सेवा करो, खूब अच्छी तरह से भोग लगाओ। ये हमारा भारतीय कृष्टि है। ये सब छोड़ छाड़ करके जो हम लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए भारत की दुर्दशा है। तो फिर हम लोग सिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, आप लोग कृपा करके लीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। विश्वास नहीं, फैक्ट। विश्वास तो भूम भ्रम हो सकता है, भूल से कोई काम कर दिया वो भी विश्वास होता है, फैक्ट इज फैक्ट। तो ये सब साइंस है, उसको अच्छी तरह से समझने से भगवान कृष्ण क्यों सबसे बड़ा है मालूम हो रहा है। दिस इज ए ग्रेट साइंस। वो तो भगवत भक्त लोग समझ सकते हैं, साधारण नहीं समझ सकते। अभी शास्त्र के विचार यही है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण काल। भगवान खुद भी बताते हैं भगवत गीता में कि मत्त परतरम नान्य, उनसे बढ़कर के कोई हायर अथॉरिटी और है नहीं। ये बात, अहम आदि थी देवाना, आई एम द ओरिजिनल पर्सन अपॉर दी डेमिगॉड। और भी बताया भगवान भगवत गीता में, जानती दी देवव्रता देवा, जो और दूसरे देवता को भजन करता है वो देवलोक में जाएगा। अदमज्जाजिन भी जानती मां, तो फर्क है ना। आब्रह्म भुवनालोकान पुनरावर्ति न, देवलोक में आप जाइए फिर उधर से घूम के आने पड़ेगा, पुनरावर्ति न। विष्णु कृष्ण का होता है, भगवान कहते हैं महम आदि जी देवाना। हाँ, भगवान का अवतार है। हाँ, सुजाम मां का अर्थ होता है जो मैं उपस्थित होता हूँ, आप मानव अपने को उपस्थित करता हूँ। हाँ, जब कृष्ण भगवान आते हैं तो जैसा ये विष्णु है, ये ब्रह्मांड में एक विष्णु लोक है, वो विष्णु से अवतार होता है। जैसे पूर्व दिख से सूर्य का उदय होता है, तो इसका मतलब नहीं है जो पूर्व दिख सूर्य का पिता है, वो सूर्य देव उदय से उदय हुआ। इसी प्रकार भगवान जब प्रकाश होते हैं कोई सोर्स से होते हैं, जैसे भगवान देवों की पुत्र होकर के जन्म, तो इसका मतलब नहीं है देवों की भगवान को पैदा की, वो एक प्रथा है, विधि है। तो इट्स अ ग्रेट साइंस, असल बात है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दिव्यम, जो जानाति तत्व,
तात्विक समझना चाहिए। अगर कोई तात्विक इसको समझ जाए तो फिर तत्ता दे उमुक्त हो जाए। तत्ता दे हम पुनर्जन्म नहीं थी, मां नहीं थी, कौन थी? तात्विक समझना चाहिए। मनुष्याणाम सहस्य सुकश्चित जतति सिद्ध जतताम भी सिद्ध्या कश्चित वेति माम तत्व। तात्विक समझना चाहिए। दिस साइंस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। और जो साइंस को समझ गया वो तो मुक्त हो गया। भागवत में कहते हैं तो अवतार को बताए हैं और आखिरी में बताया गया है जो ये जितना अवतार है ये सब कोई अंश है, कोई कला है। इति चांस कला पुंश जो परम पुरुष चाहे ये किसी का परम पुरुष विष्णु किसी का अंश है, किसी का कला है। कृष्णस्तु भगवान से बाकी कृष्ण जो नाम इसमें दिया गया है ये सांग भगवान समान सब भगवान है। इसमें कोई टकराव नहीं है। राम भगवान है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, बाकी आदि जो है वो कृष्ण। रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरत भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं सम भवत परम अपमान। शंकर तो शंकर का बड़ा मानो ना, वो तो बात है कि शास्त्र का विचार जो है जो उसको तो लेने होगा ना। जो जिसको पूजा करते हैं उसको बड़ा तो मानते ही है, नहीं तो क्यों पूजा करेंगे? वो तो दूसरी बात है। और दूसरे देवता का जो पूजा करते हैं उसका भी विषय भगवत गीता में बताया है, कामस्तस्त हित ज्ञान जजंते अन्न देव। काम का द्वारा है, क्योंकि दूसरे देवता का जो भजन करते कुछ प्राप्ति करने के लिए। शिव जी से प्रार्थना किया, महाराज हमको ऐसा बढ़ दीजिए कि हम जिसका सिर में हाथ लगाए उड़ जाए। ठीक जी बच्चा आंसू तो था, अच्छा ठीक है ले। फिर बोलता आपका सिर में हम हाथ लगा के देख ले थोड़ा। यही होता है तो बड़ा मुश्किल किया, इसलिए हमारे हाथ में हाथ फिर हाथ लगाना चाहता है। सब जागरण किया विष्णु तक पद धीरे धीरे महाराज, तो विष्णु का जो महाराज आपका ऐसे ऐसे सब बढ़ दे देते हैं। तो विष्णु माया से उसको प्रसन्न किया, रहे ऐसा कभी हो सकता है? तो अपना हाथ में अपना सिंह हाथ लगा कर देखना उस प्रकार होता है। रावण को शिव जी खूब बढ़ दिया रोक दिया, आखिर में रामचंद्र जब उसको मारने को खड़ा हो गया कोई नहीं रक्षा नहीं कर। थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा कीर्तन कीजिए हरे को। भगवान की प्रेरणा से गुरु महाराज की आदेश थी कि पाश्चात्य देश में कुछ अंग्रेजी सभी गुरु भाई का ऊपर आदेश थे। बाकी जब देखा कि इधर में ही सब बस्त हो गए, उधर कोई ज्ञान है, तब थोड़ा सोचा कि भला मैं ही बुढ़ापे में थोड़ा चेष्टा करूं। उस समय हमारा 70 वर्ष उम्र था, 1965। तो उधर गया न्यूयॉर्क में और जहाज में बैठ बैठ के सोच रहा था जो भगवान इधर क्यों भेजा। मैं तो जब इनको वैष्णव सदाचार का विषय बोलूंगा उसी समय ये लोग कहेंगे महाराज आप इधर से चले गए।
क्योंकि सदाचार बिना तो वैष्णव होता नहीं। यद्यपि भगवान कहा है अपिते सुदुराच, इसका लक्ष्य है कि सदाचार जरूर होना चाहिए वैष्णव के लिए। सर्वई गुणई तत्व समासते सुरा, वैष्णव का सब देवता का गुण होना चाहिए, भगवत भक्त का यही लक्षण है। तो सदाचार पालन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह बताया है कि असदाचारी वैष्णव को वैष्णव है इस हिसाब से उनको दंडवत करना जरूरी है, बाकी उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं, मना किया। तो सदाचार वैष्णव के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारा हृदय में तो यही था जो पहले तो इनको यही बात बताया जाएगा जो आप लोग सदाचारी होइए। चार प्रकार का जो पाप है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जस्य अंतगतं पाप जीसाम अंतगतं पाप जनानाम पुण्यकर्म हे दंड महानिमुक्त भजन्ति मां धीरव्रत। भगवान की सेवा में धीरव्रत होकर के सेवा में नियुक्त होना साधारण नहीं है। जीसाम अंतगतं पाप, जो पाप कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गया उसके लिए भगवत सेवा संभव है। और नहीं तो ये भी समझना चाहिए कि जो भगवत सेवा में नियुक्त है वो सदाचारी है, वही एकमात्र सदाचारी। अगर यद्यपि बाहरी कुछ अभ्यास से सुदुराचार मालूम भी होता है, भगवान उनके लिए कहते हैं अपीते सुदुराचार भजते वहां अनन्न, तो विदेश में जाकर के न्यूयॉर्क में विशेष करके एक पार्क जिसका नाम है टॉमकिंसन स्क्वायर, तो उधर जाके मैं कीर्तन शुरू किया। एक पेड़ का तले में बैठ के हरे कृष्णा बस एक दुगदुगी लेकर, एक उधर मृदंग भी नहीं था, तो ये सब बालक लोग आने शुरू किया। और इधर वो बालक अभी उपस्थित है जो कि जिसका नाम अभी है ब्रह्मानंद स्वामी, ये पहले आकर के नाचा था। ये बालक और भी एक बालक उसको नाम है अभी अच्युतानंद स्वामी, वो अभी हैदराबाद में खूब प्रचार कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते ये भगवत कीर्तन की प्रभाव से चित दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, परंग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान की कीर्तन कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परंग व्रजे, सुखदेव गोस्वामी की वाणी। कलियुग में अनेक दोष है, ये दोष की निधि है, कलौ दोष निधि राज अस्ति जी को महान, एक महागुण है मुझे कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम, केवल मात्र भगवान की नाम तन्नाम ग्रहणा देवी, भगवत भक्ति शुरू होती है तन्नाम ग्रहणा देवी। तो इसका फल वास्तविक यूरोप अमेरिका में प्रत्यक्ष हुआ है कि कीर्तन करते 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 आदु श्रद्धा तत्व साधु संग, फिर आगे बढ़ के आया और शिष्य होने का मांगा। मैंने उनको बोला जो देखो भाई, हमारा शिष्य होने के लिए तुमको चार चीज छोड़नी चाहिए, एक तो अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए, इनका देश में
लड़का लड़की साहब ऐसे ही रहते हैं बिना विवाह, कुछ दिन रहा छोड़ दिया और किसी को पकड़ लिया चुपचाप एज फ्रेंड्स। तो हमारा जो शिष्य होते हैं उसको ये नहीं चलता, तुम किसी को लड़की को चाहते हो लड़का को चाहते हो तो शादी करो, शादी करके भद्रभाव से रहो। ये लोग मान ली, बहू माई शादी करा दिया, उनको सब बच्चे जो हुए हैं उनको लिए स्कूल खोल दिया गुरुकुल, तो एक जेनरेशन चेंज हो रहा है, वैष्णव जेनरेशन की टूटने वाला नहीं है। हम तो वयोवृद्ध हुआ अभी 78 वर्ष है, हो सकता कभी भी चला जाऊंगा, बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चलाएंगे मुंबई, ये उधर नष्ट होने वाला, क्योंकि यही सिखाया जाता है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, जो कि भगवान स्वयं बताते हैं मैया सप्तमना प्रार्थ जोगम झुंझन मदास, भगवान का आश्रय लेकर के और ये भक्ति जो को अभ्यास करो, वो भक्ति जो क्या है जो भगवान में आसक्ति बढ़ाओ। आसक्ति हम लोग को सभी का है, किसी का घर में है, किसी का दौलत में है, किसी का देश में है, किसी का बाल बच्चे में है, और किसी का कुछ नहीं है तो कम से कम पाश्चात्य देश में खूब देखा जाता है कि किसका कुछ है नहीं फैमिली तो वह कुत्ता पालता है बिल्ली पालता, तो कुत्ता में आसक्ति, तो आसक्ति तो जरूर हमारा है, ये आसक्ति फिरा करके भगवान में लगा, और कुछ यही भगवत भक्ति। मनमना भगवत भक्त मज्जाजी मांग नमस्ते, भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मनमना हमारा भक्त बन जाओ, मनमना भगवत भक्त मज्जाजी हमारा पूजा करो और हमको नमस्कार करो, जो कि आप लोग का वृंदावन में ही प्रथा है, सब समय आप लोग भगवान का नाम जपा करते हैं मनमना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस शब्द का साथ साथ ही भगवान का चरण में मन लीन हो जाता है। गोस्वामी लोग सिखाया है, सब आचार्य लोग सिखाया है, चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाया है, हरे नाम हरिनाम एव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा, कोई मुश्किल है नहीं है, भगवान में आसक्ति बढ़ानी कोई मुश्किल नहीं है, विशेष करके कलयुग में केवल भगवान का नाम से है, ये पुराना युग से तन्नाम ग्रहणादि भक्ति शुरू होती है भगवान के नाम ग्रहण, तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए इनको हरिनाम जप करने को बताया गया है, तो सब समय जप करते हैं लोग, जहां तक हो आप लोग देखा ही है सब समय नाम की माला है उसका चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मनमना भवमद भक्त, और जो नाम को जप करेगा तो भक्त हो ही जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान और भगवान का नाम कोई भिन्न नहीं है, अभिन्नत्या नामना, भगवान चिंतामणि नाम है, स्वयं भगवान है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का विग्रह है, रसो वैसा जैसे भगवान स्वयं कृष्णचंद्र सब रस का आधार है, द्वादश रस का आधार है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया अखिल रसामृत सिंधु, तो भगवान रस विग्रह है, सब आनंद भगवान नहीं है, भगवान से जिसका संपर्क है वो आनंदमय अभ्यासात, अभ्यास से केवल भगवान से संपर्क रखने से ही वो आनंदमय हो जाता, और भगवान का स्वरूप है आनंदमय,
और हम लोग भगवान का अंश है, इसलिए हम लोग भी आनंदमय है, क्योंकि भगवान को हम लोग छोड़ दिया है इसलिए निरानंद। और कुछ फिर अगर भगवान को चरण को हम लोग पकड़ लेते हैं फिर आनंदमय हो जाएगी। दैवी जीसा गुणमयी मुआ दुरतया मामी मुझे प्रबद्धंते माया में तांग तरंते। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और भगवान का अंश है जी, वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। बाकी अनु होने का कारण भगवान विभु और हम लोग अनु, अनु होने का कारण जैसा अग्नि का स्फुलिंग बहुत छोटे होने का कारण कभी कभी बुझ जाए, अब फिर उसको वो अग्नि कणा जो अंगार है उसको आग में दे दीजिए तो फिर वो प्रज्वलित हो जाए। इसी प्रकार हम लोग जब दुनिया को भोग करने को चाहता जैसा जगदानंद पंडित बताए कृष्ण भुलिया जी भी भोगवान छा करे पासे ते माया तारे जापोटिया धौरे। जब हम लोग भोग करने को चाहते हैं वही माया है और कुछ नहीं, हम लोग भोगता नहीं है, भोगता भगवान, भोगता रम जगत अवसान सब लोक महेश्वर। ये बात जब हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान भोगता है और हम लोग चाहे भगवान की भोग की सामग्री उनको देने के लिए हमारा काम, जैसे गोपी लोग करते सब समय भगवान के भोग के लिए प्रस्तुत, सब वृंदावन वासी, वृंदावन वासी का यही काम है जो भोक्ता भगवान और भगवान के भोग के लिए सब समय सेवा करने के लिए तैयार, ये वृंदावन वासी। तो बिना आसक्ति से क्यों भगवान, सभी चाहते हैं मैं भोग करूं, अपना भोग छोड़ देता है, जैसे पिता माता अपना भोग छोड़ देता है अपना बालक को प्रतिपालन करने के लिए, स्वाभाविक तौर प्रेम है। प्रेमी जो है वो अपना प्रेमी को सुखी करने के लिए अपना भोग परित्याग, दुनिया में ये बात नहीं हो सकती है परंतु पर जगत में अपराकृत भूमिका में ये संभव है। दुनिया में जो है कोई अपना भोग को छोड़ नहीं सकता, बाकी वैकुंठ जगत में उसमें भोगता एकमात्र भगवान है और सब भोग्य है। जीव भी उधर जो जीव है वो सब भगवान की सेवा के लिए तैयार है। वही चीज इधर सिखाया जाता है हमारा वैष्णव पद्धति में, जो भगवान की सेवा में सब कोई निजुक्त रहो। भगवान ने ये सप्तम अध्याय में यही बता रहे हैं, मैया सक्त मना प्रार्थ योगम झुंझन मदास। वो जो योग है भक्ति योग वो भगवान का आश्रय लेने से ही हो सके, या भगवान को भक्त का आश्रय, भगवान और भगवान के भक्त से कोई अंतर नहीं है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे रुक्त तथा भावत एव सद्भी किंतु प्रभु ज प्रिय तस् वंदे गुरु श्री चरणार। गुरु का काम है कि सबको भगवत भक्ति में लगाए, यद्यपि गुरु को भगवान के ही ऐसे सम्मान दिया जाता है, देना भी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है भगवान का तरफ से सम्मान ग्रहण करते हैं ताकि वो सब सम्मान भगवान को देते हैं अपने के लिए। इसलिए जैसा कोई मैनेजर है वो रुपया पैसा जो कुछ अदा करते हैं मालिक के लिए, इसी प्रकार भगवत भक्त जो है उनको जो ऑफिस दिया जाता है सम्मान अर्थ और कुछ वो सब भगवान का पास पहुंचता है। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की सेवा के लिए शास्त्र में विधि है, ये उनको जो कुछ दिया जाता है वो भगवान को ही दिया जाता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं मदाश्र भगवत भक्त का आश्र, यदि
साक्षात भगवान का आश्रय नहीं होता, साक्षात भगवान का आश्रय हो भी नहीं सकता। तद विज्ञानार्थम सा गुरु में ही विगच्छ, भगवान को जो आश्रय में है, इस प्रकार भक्त का आश्रय ग्रहण करने से ही भगवान का आश्रय डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो भगवान बताते हैं मद आश्रय, जो कि जो व्यक्ति हमारा आश्रय में है उसका आश्रय, उसका आश्रय लेके भक्ति जो पालन, ये भगवान और एवं परंपरा प्राप्तम इम राजर्षय होगी। भगवत भक्ति, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान की वैशिष्ट, ये सब समझने के लिए वो परंपरा सूत्र से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमारा वैष्णव समाज में चार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय। आप लोग श्री जी का जो है कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, तो संप्रदाय विहीना जी मंत्रास्ति विफला मता, कोई भी संप्रदाय का आश्रय लेने से वो मदाश्रय, वो भगवान का आश्रय। चार संप्रदाय के भीतर कोई भी आचार्य को आप आश्रय लीजिए, वो भगवत भक्ति सिखाएंगे, भगवान में किस तरह से आसक्ति बढ़ती है वही सिखाएंगे, उनका और कुछ काम नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जे मैया सक्त मना, यदि भगवान में आसक्ति आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, मन को भगवान का आसक्ति में, सभी मन कृष्ण पदार बिंद, जैसे अमरीश महाराज किया था, महाराज होते हुए भी सब समय भगवान का चरण में मन को लगा रखा था, ऐसे हम लोग को भी कम से कम उनको अनुगमन करना चाहिए, अनुकरण नहीं अनुगमन, जहां तक हो, क्योंकि बड़े बड़े महाजन जो है आचार्य जो है उनको अनुकरण हम लोग नहीं कर सकते, अनुगमन कर सकते हैं। ये आचार्य महाजन जीन गतस्य पंथा, महाजन लोग जैसे जैसे रास्ता बताए हैं उस पर हम लोग अगर अनुगमन करें तो हमारा उपकार है। और सुखदेव गोस्वामी बताए कीरा तो हूं नांद कुलिंद कुसा आभीर सुम्भा जमुना खसाद, जवन भी हो और खसाद है। भगवान स्वयं भी बताया जिन्ने चु पापा मांगी पात बपा श्रित्य जीपी सु पाप जन, सबके लिए भगवत भजन खुला है, कोई के लिए रोग नहीं है। मांगी पात बपा श्रित्य जीपी सु पाप जन, पाप जोनी होने से है कोई हर्ज नहीं, क्या जीव तो पापी नहीं है, जीव तो भगवान का अंश है, पवित्र है, अकि संस्कार से संस्कार से उनको पाप पुण्य का विचार आ गया है। असल में पुरुष जो है अयंग पुरुष असंग वेद की वाणी है, जो उनका कोई संस्कार नहीं है, अभी अज्ञान से माया से संस्कार है, एक मुहूर्त में वो संस्कार नष्ट हो सकता है। मामी वज प्रबद्धन्ते मायामी का, अगर कोई दिल से भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान इतना दिन जन्म जन्मांतर आपको भूले हुए थे, अब मालूम होता है आप ही हमारा स्वामी है, आपको चरण में मैं अपना जीवन को समर्पण कर रहा हूं, उसी वक्त तो सब पाप से निर्मुक्त हो जाए। यदि वास्तविक और ना पाप करे, यानी अभी भगवान का चरण में आश्रय लिया पाप से जरूर मुक्त हो गया, और फिर भी पाप करे वो थी, जैसे जगाई महाराज को उद्धार किया था चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत पाप काम करते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु इतना ही शर्त किया कि आज से पाप काम नहीं करो, फिर तुम्हारा सब हम ग्रहण कर ले। तीसरी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापी मुमुक्षुः। यदि हम लोग मन प्राण से वास्तविक भगवान का चरण में शरणागत तो हो जाता हूं, तो फिर भगवान तो समर्थ है, वो तो हमारा जो पाप का जो फल है कर्माणि निदहति किंतु च भक्ति भाजा, ब्रह्म संहिता में जो
जो भगवत भक्त जो है उनको कर्म सब निर्धारण कर देते हैं। इसलिए भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए और भगवान का जो भक्त है उनको आश्रय लेना चाहिए और भगवत भक्ति योग जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षम आत्म निवेदनम ये नवधार भक्ति, ये श्रवण कीर्तन से ही शुरू होती है। असल चीज है श्रवण, जैसे आप लोग ये मंदिर में रोजाना आते हैं और भगवान के विषय श्रवण करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। ये चैतन्य महाप्रभु इसी को ग्रहण किया। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी, अपना अपना स्थान में रहो, स्थान परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण है ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय है क्षत्रिय रहो, वैश्य है वैश्य रहो, शूद्र है शूद्र रहो, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहो, और गृहस्थ है गृहस्थ रहो, मानवप्रस्थ है संन्यास है, अपना अपना स्थान में स्थित रहो, अपना अपना काम करो, साथ साथ में भगवान का विषय सुनते रहो। सतांग प्रसंगात मम बीज संदिग भवंती रितकर्ण रसायन कथा, सुनते 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 फिर सब चीत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन, वो जो अपना जो स्वरूप है वो सिद्ध हो जाए, भगवान से जो संपर्क है वो सिद्ध हो जाए। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरत है और इसका फल भी होगा। उदाहरण स्वरूप आप लोग सब देख रहे हैं कि ये सब अमेरिकन वासी यूरोपियन वासी ये श्रवण कीर्तन करते ही बड़े बड़े भक्त बन रहा है और प्रचार भी खूब हो रहा है। इंडिया इंडिया से इनका प्रचार बहुत जोर है, इंडिया का बाहर आप लोग जानते होंगे कि हमारा कम से कम 100 मंदिर है सारा दुनिया में, खाली अमेरिका में ही 50 मंदिर है, यूरोप में है कोई 15-20, इसी प्रकार जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, सब जगह में है, और सब राधा कृष्ण मूर्ति सब पूजन हो रहा है बड़ा सदाचार से। और ये लोग सब दुर्वसन छोड़ दिया है, ये भी चाय भी नहीं पीते और बीड़ी भी नहीं छूते और मदिरा मांस का बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसी सदाचार है और अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं और जुआ नहीं खेलते हैं, किसी प्रकार मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करते हैं और बिल्कुल भगवत प्रसाद केवल ग्रहण करते हैं और मांस आदि का बात छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार सदाचार से हर एक जगह में, कभी आप लोग आइएगा तो देखिएगा, अभी सब तीर्थ करने वृंदावन में आते हैं, उधर अमेरिका में नया वृंदावन है, न्यू वृंदावन है, वो वेस्ट वर्जीनिया में हम लोग 500 एकड़ जगह लिया है, उधर गोपालन हो रहा है और अभी फिलहाल हम लोग का कम से कम रोजाना 500 पाउंड दूध अदा होता है गाय से, बड़ा आनंद से वो लोग है। ये सब सिखाया जाता है और ये सीखने के लिए वो लोग प्रस्तुत है। इधर से हम लोग को बहुत साधु संन्यास संत को जाना चाहिए, ये चीज समझाना चाहिए, इसका मार्केट बहुत है, हम तो अकेले ही इतना किया है, अगर आप लोग सब आइएगा तो सब सारा दुनिया वैष्णव हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, सब हिंदुस्तान हो जाए, तो आप लोग तो कोई आते ही नहीं, हम क्या करें, अकेले जहां तक हो रहा है आप लोग आशीर्वाद कीजिए आगे और बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ज्ञात्या नेह भूय अन्यच्च ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। कल हम लोग भगवान के भक्ति जो आसक्ति इस विषय में कुछ आलोचना किया था कि मैया सप्तमनाथ पार्थम योगम निंजन बदास,
यदि भगवान में आसक्ति बढ़ाई जाए, उसका जो प्रोसेस है, पद्धति रूप गोस्वामी ने जैसे बताया है कि आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है जी भगवान में विश्वास। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें पूर्ण विश्वास, वास्तविक भगवान का चरण में शरणागत होने से सब काम सिद्ध हो जाए, इसका नाम है विश्वास। श्री चैतन्य चैतामृत कार कविराज गोस्वामी श्रद्धा का अर्थ बताया है, श्रद्धा शाब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, इसका नाम है श्रद्धा, सुदृढ़ निश्चय। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,